बदलाव के दिलचस्प उदाहरण भाग एक। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि वस्तुओं की संख्या घटाव के द्वारा घटकर कम कैसे होती है। इस वीडियो में हम एक अंकीय संख्याओं के घटाव के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। छोटू की गर्मियों की छुट्टी चल रही है। अभी दिन का समय हो रहा है और उसे नींबू पानी पीने का मन कर रहा है। माँ, मुझे नींबू पानी पीने का बहुत मन कर रहा है, क्या आप मेरे लिए बना दोगी? हाँ बेटा, जाओ फ्रिज से नींबू ले आओ। ठीक है माँ, अभी लाया। फिर छोटू फ्रिज से नींबू लेने जाता है। अरे, मैंने तो माँ से पूछा ही नहीं कि कितने नींबू चाहिए। चलो कोई नहीं, मैं सारे नींबू ले जाता हूँ। फिर छोटू सारे नींबू लेकर वापस अपनी माँ के पास चल पड़ता है। यह लो माँ, आपको एक गिलास नींबू पानी बनाने के लिए कितने नींबू की जरूरत होगी? अरे छोटू, तुम तो 6 नींबू ले आए, मुझे तो बस एक ही नींबू चाहिए। थैंक यू। अब प्लीज बाकी नींबू फ्रिज में वापस रख दो। तो बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो कि छोटू ने फ्रिज में कितने नींबू वापस रखे? चलो देखें। अगर छोटू की माँ ने 6 नींबू में से एक नींबू ले लिया तो अब बचे 5 नींबू। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे 6 नींबू में से एक नींबू कम करने मतलब घटाने के बाद 5 नींबू बचे। शाम का समय है और छोटू और पिंकी पार्क में अपने 5 दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। तो बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो कुल कितने बच्चे खेल रहे हैं? जी हाँ, 5 और 2 यानी 7 बच्चे। छोटू और पिंकी की माँ उन्हें घर बुलाने आती हैं। छोटू और पिंकी, चलो जल्दी से घर चलो, मामा तुमसे मिलने आए हैं। ओ अच्छा, चलो माँ, बाय दोस्तों। बाय दोस्तों। पिंकी और छोटू अपनी माँ के साथ वापस घर चले जाते हैं। अब क्या आप लोग बता सकते हो कि पार्क में कितने बच्चे बच गए? चलो देखें। 7 बच्चों में से 2 बच्चे चले गए तो बचे 5 बच्चे। आपका भी यही उत्तर था ना? बहुत बढ़िया। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि एक संख्या में से एक और संख्या को कैसे घटाते हैं। अगली वीडियो में हम ऐसे कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।